हस्बैंड का नाम है अब्दुल वाहिद बिन आफ्ताब आलम, आपका ताल्लुक है एमईए से। आबाद फऊजु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमीर महफिल और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की मेरी तकरीर का उन्वान मोहसन इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं अपनी अदना वाकिर अल्फाज में तकरीर शुरू करता हूँ। मौजिसामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए एक मिसाली शख्सियत है। आ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इस दुनिया के हर फर्द के लिए एक मिसाली शख्सियत है, जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर यकीन रखता है। जनाब सद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहे रबी अव्वल के महीने में तशरीफ़ लाए और माहे रबी अव्वल के महीने में इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, वो सारी इंसानियत के लिए रहमत के मुजस्से में। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत में ना सिर्फ इनके लिए अकीदत और जज्बा शामिल है, बल्कि इनके आमाल पर अमल करना भी शामिल है। हमारे पास इनकी तालीमात पर अमल करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। मुख्तसर यह है, उम्मते मुस्लिमा कुरान और सुन्नत पर अमल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ज़िंदगी गुजार कर इस्लाम का खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करना है। एक शेर के साथ इजाज़त चाहता हूँ। हर कोई फिदाए बिन देखे, हर कोई फिदाए बिन देखे, दीदार का आलम का क्या होगा। वमा अलैना इल्ला बिल बलागुल मुबीन।